मैं तो देश विदेश में जाता रहता हूँ सत्संग करने के लिए, तो महीना 15 दिन में कोई ना कोई मिल जाता है। तो कोई तो कहता है कि कोई माँ की सेवा करने वाला नहीं है, दया हो जाए। कोई कहता घर में रोटी बनाने वाला कोई आ जाए, और कोई कोई तो सीधे कह देता है शादी करा दीजिए, नहीं हो रही है। 2-3 महीने में कोई ना कोई ऐसा भी मिल जाता है जो कहता छुड़वा दीजिए, जान के लाले पड़ रहे हैं, तलाक करवा दीजिए। ऐसे भी मिल जाते हैं, जिसकी नहीं हुई वो भी रो रहा, और जिसकी हो गई वो भी रो रहा, जिसके बच्चे नहीं हैं वो भी रो रहा, और जिसके कई बच्चे हैं वो भी रो रहा। जिसके बच्चे नहीं, करो बच्चे हो जाएंगे, जो जो कहोगे सब कर डालेगा बच्चे के लालच में। यहाँ तक कि मुर्गा भैंसा बकरा भी काट करके मूर्तियों के सामने चढ़ा देता है, कहता देवता को खिलाएंगे। अरे देवता का मतलब लेवता नहीं होता है कि जान के बदले जान ले, वो जान नहीं लेते किसी का। और वो देवता जिसके सामने तुम चढ़ाते हो, न बोले न डोले, कुछ भी करो कुछ भी न देखें, कुछ भी कहो कुछ भी न सुने, कुछ भी खिलाओ कुछ भी न खाएं, तो उनके सामने पटक करके तुम चले आते हो, या नहीं सोचते हो कि जीव हत्या का कितना बड़ा पाप लगेगा। तो वो बलि तो कभी चढ़ाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो पाप के बोझे से दब जाओगे और उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। आदमी के बनाए हुए वो देवता हैं, मूर्तियाँ हैं, चलो ठीक है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, आपकी भावना है, आपने उनको देवता मान लिया, लेकिन उनके सामने बलि तो न चाहो। वही देवता अगर जिंदा देवता होती, काली माता होती, तलवार दिखाती तो कोई काटता उनके सामने, हनुमान जी गदा दिखाती तो कोई उनके सामने बलि चढ़ाता। लेकिन आप समझ लो कि अनजान में अज्ञानता में लोग गलती कर बैठते हैं। आप कभी कोई भी मत करना और लोगों को समझा देना कि बलि चढ़ाना बहुत बड़ा पाप है। तो जिसके बच्चा नहीं होता बलि भी चढ़ा देता है। अब इसके 4 लड़के हैं, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4-4 लड़के 4-4 बहू खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा जानते हो क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। अब बैठ जाओ उसके पास, कहो काका ऐसा क्यों कहते हो, आपने तो अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया, और पढ़ लिख करके लड़का आया, पढ़ी लिखी बहू भी लाया, तो क्या बहू अच्छा अच्छा भोजन बना के नहीं खिलाती है, लड़के क्या कमा के आपको नहीं लाते हैं, आप नहीं देते हैं, अरे कुछ सेवा सत्कार हाथ पे नहीं दबाते। बुड्ढा कहता है क्या बनाती क्या खिलाती है, बहू तो उसी हाथ से बनाती जाती उसी से खाती जाती है। पूछा काका ऐसा क्यों करती, पूछा नहीं, कहा पूछा तो कहती है टेस्ट करके बनाती हूँ। काका टेस्ट करके बनाती क्यों, क्यों टेस्ट करके क्यों बनाती, अंदाज नहीं है उसको बनाने का। जब बुढ़ा कहता उसकी माँ तो बस पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही, रोटी बनाना खाना बनाना सिखाया नहीं, कपड़ा धोना बर्तन धोना
और सफाई करना घर की, यह तो बुनियादी काम है, इसको तो पहले कराना चाहिए। लेकिन उसकी माँ ने तो कराएगी, पर पढ़ाती थी। पूछा एक दिन कि तू शहर में थी तो खाती नहीं थी, बनाती नहीं थी? बोली होटल में खाते थे। होटल में क्या जमाना आ गया खाने का, पहले था घर में खाते थे, टट्टी मैदान जंगल के लिए बाहर जाते थे, अब टट्टी मैदान लेट्रिन घर में करते हैं, खाने के लिए बाहर जाते हैं। होटल में तीन तीन दिन की दाल खिला देते। तो काका आपने तीन दिन की दाल कभी खाया होटल में? अरे होटल में कभी खाना खाए? बोले भैया हम तो कभी नहीं खाए। अरे वो हमारा पहचानी था, बता रहा था होटल चलाने वाला कि जब वो खट्टा हो जाता दाल सड़ जाता है और छौका लगा देता हूँ तो वही मांग मांग करके लोग खाते हैं। तो फिर पूछो बुढ़े से कहो तो लड़के रुपया पैसा कमा के नहीं लाते हैं, तब कहता है क्या कमाते क्या लाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है, उनको तो कमाने का तरीका ही नहीं मालूम। इज्जत के साथ लक्ष्मी को लाओ तब तो लक्ष्मी रुकती है, जुआ में दांव में लगा करके कोई लाता है उसके पास रुपया रुकता है, चोरी करके लक्ष्मी को लाता है रुपया को तो उसके पास रहता है। कोई भी चोर करोड़ों रुपये चोरी किया लेकिन करोड़पति इस समय है? बूढ़ा कहता है मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बरकत होती है, इनके सबकी बरकत गई छीन, इनकी तो सबकी नज़र मेरी तिजोरी के ऊपर ही है, इसीलिए तो मैं पैर नहीं दबवाता हूँ। अरे काका पैर क्यों नहीं दबवाते, सेवा बुढ़ापे में क्यों नहीं कराते हो? सेवा बुढ़ापे में करने के लिए तो आपने इनको पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया कि दो रोटी कमा करके लाएंगे खिलाएंगे, हाथ पैर दबाएंगे, जब नसें ब्लॉक हो जाएंगी बुढ़ापे में तो क्यों नहीं दबवाते हो? तब बुढ़ा कहता है डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो पैर दबाते दबाते गला दबा दे, तिजोरी की चाबी के लालच में। तो बुढ़ा ऐसा बोलता है जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, कहता रुपया पैसा हो जाता मैं भी बड़ा आदमी हो जाता, और जिसके पास ज़्यादा है नींद नहीं आती है। अभी कुछ दिन पहले नोटबंदी हुई थी, एक सेठ को नींद ना आवे, उठे बैठे रात भर चारपाई पर उठे बैठे टहले, तीन दिन हो गया। तो लड़के ने कहा चलो डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास लेकर के सुबह सुबह पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह सेठ जी को क्या हो गया लेकर आ गए? बोला नींद नहीं आ रही है। अरे तो डॉक्टर ने कहा नींद की गोली दे दिए होते। लड़का बोला तीन तीन गोली दे दिया, नींद नहीं आई। डॉक्टर भी सोचने लगा अब कौन सी दवा दे। तब तक लड़का बोल पड़ा साहब चौथी गोली दे दें। बोला चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे, यही तीन गोली बहुत ज़्यादा हो गई, ओवर डोज हो गया। तो अब आप समझो जिसके ज़्यादा है उसको नींद नहीं आती, उसको भी नहीं शांति है, न राजा को शांति न रैयत को शांति और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है, यह अशांति का संसार हो गया। तो शोध करने पर पता क्या चला कि लोगों का खान पान चाल चलन खराब हो गया, विचार व्यवहार खराब हो गया। जब से यह मांसाहार बढ़ा तब से देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई, घर घर में बीमारी, इसी में तमाम घर ऐसे हैं जिसमें आप बैठे हो जिनमें कोई ना कोई बीमार ही रहता है। और ना ये बताऊँ तो मैं बता दूँगा, दो चार दस को बता दूँगा कि इनके घर में कोई ना कोई बीमार रहते ही रहता है। यह भी बता दूँगा कि इनके घर में रोज़ झगड़ा होता है। बुढ़े न लड़े जवान न लड़े तो लड़के ही लड़ते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहें, बाल नोचते रहते हैं, मुँह नोचते रहते हैं नाखून से। तो अब आप ये समझो कि इसका कारण क्या है। कारण इसका यही है कि खान पान हो गया लोगों का खराब, इसलिए यह खून हो गया बेमेल, तो रोग हो गया इसलिए रोगी हो गया। जो चीज़ आप खाते हो उसी का बनता है खून। अब जब मांस खाए तो उसका खून बना, और मनुष्य का शरीर है शाकाहारी खून, तो खून बेमेल हो गया। बेमेल खून कैसे होता है? बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास ले गया, बोले खून की कमी हो गई, खून चढ़ेगा। लड़का कहता मेरा चढ़ा दीजिए,
जब टेस्ट करता है कहता ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है। भाई कहता है मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट करता है कहता तुम्हारा भी ग्रुप नहीं मिल रहा है, तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता। अब आप सोचो ये कहीं रजवीर से ये कहीं कि ये कहीं माँ के पेट में दोनों बने, पालन पोषण आए समझ लो कि दोनों भाइयों का एक ही माँ ने दूध पिला करके किया, तो खून क्यों नहीं मिल रहा है, ग्रुप क्यों नहीं मिल रहा है। यही कारण है मांस मनुष्य के खून को बेमेल कर देता है, और खून जब बेमेल हो जाता है तब क्रोध ज़्यादा आता है। आप समझो बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो जाती है, कहते ना हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारा खून खोल रहा है, हट जाओ मेरे आँखों के सामने से, तो अपराध बढ़ जाता है, क्राइम जिसको कहते हो बढ़ जाता है, क्रोध जब ज़्यादा हो जाता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप देखो शाकाहारी बैल होते हैं, गाय होती है, एक कमरे में चार बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, जुगाली करेंगे, गोबर करेंगे, और सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। एक कमरे में चार कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, खूब खाएंगे, रोटी भी खाएंगे और टट्टी पेशाब भी करेंगे, लेकिन एक दूसरे को नोचेंगे, भौं 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 रात भर आवाज़ आती रहेगी, और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का पैर कटा हुआ, किसी कान कटा हुआ, किसी के टांग से पैर से खून निकलेगा जब बाहर निकलेंगे, तो खून गर्म हो जाता है, खोल जाता है जल्दी। तो मांसाहार नहीं करना चाहिए। रावण देखो कितना विद्वान बलवान था, सोने की लंका थी, 100,000 लड़के 125,000 नाती थे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, कहता था जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी पर चढ़ करके लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन मांस खाया जब और शराब पिया और बुद्धि खराब हुई तो दूसरे की औरत को गला नज़र देखा, इसी तीन बुराई ने सर्वनाश कर दिया उसका। तो अब आज से नहीं, संकल्प बना लो, अभी तक जो खाया तो खाया जान अनजान में, अब नहीं खाएंगे। अब आप बात को समझो कि कम खाओ कहा गया और कम खाओ, कम खाओगे तो रोग नहीं होगा, और ज़्यादा खा लिया और पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर तो तुरंत पैसा जमा करके ऑपरेशन करेगा, और एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई गारंटी नहीं है दोबारा फिर न कराना पड़े, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, तिबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो उग गया ऑपरेशन कराते कराते, डॉक्टर ने फिर बता दिया ऑपरेशन, तो कहा डॉक्टर साहब आपके बाद जब ऑपरेशन करना तो टाँका मत लगाना, सिलाई मत करना, बटन लगा देना बटन, आया तो चैन लगा देना, जब फिर आऊँ तो चैन खींच के ऑपरेशन कर देना। टाँका लगाते हो पकता है फूटता है, पट्टी करानी पड़ती, परेशानी होती है, तो टाँका मत लगाना। अब आप समझ लो एक बार ऑपरेशन जिसका हुआ शरीर का, समझ लो सिस्टम बिगड़ जाता है, इस शरीर को चलाने वाली तीन नाड़ियाँ होती हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना, और उन्हीं नाड़ियों से 72,000 शाखाएँ शरीर के अंदर होती हैं नाड़ियों, उनको बहुत से ना को तो आप देख भी नहीं सकते हो, डॉक्टर भी नहीं देख सकता, और वो जब कट जाता है तो फ्लो कम हो जाता है, आने समझ लो कि उसमें रुकावट आ जाती है। आप समझो कि बहुत से लोगों का पेट तनाव दर्द हुआ, नसों में तनाव हुआ तो ऐसे ऐसे हाथ ऐसे 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 करते हैं, सिर में जब रुकावट आती है खून और उसमें तो दबाते हैं ना ऐसे कि वो जो है वो खून का संचार फिर से चालू हो जाए, ऐसे ही अब उनको देख नहीं पाते हैं तो कट जाती हैं, तो बराबर बीमारी कुछ न कुछ लगी रहती है, इसीलिए कहा जाता है ऑपरेशन से बचना चाहिए। आप समझो ये बच्चियाँ पढ़ लिख ली और इनकी शादी हुई और पेट में बच्चा जैसे आया तैसे ही 8वें दिन 10वें दिन पहुंच जाती हैं टेस्ट कराने। टेस्ट बहुत कम कराना चाहिए क्योंकि वो बिजली की किरणें जो लोथड़े के ऊपर पड़ती हैं उससे उसका ग्रोथ ही कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, तो डॉक्टर को भी कहना पड़ता है कि इसका विकास बंद हो गया, ग्रोथ खत्म हो गया, एबॉर्शन करा दो, निकलवा दो। अब आप समझो कि ऑपरेशन से बचना चाहिए तो कम खाओ तो अभी आराम से हजम हो जाए, और कम खाओ
गम खाओ मतलब दो बात बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो तो आप समझ लो कि सब झगड़ा झंझट खत्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब आजकल अक्सर देखा जा रहा है लड़ाई झगड़ा घरों में, और सास और बहू का झगड़ा तो मशहूर है। अब ये जरूर है कि गरीब घर की सास और बहू जब जोर जोर से एक दूसरे को गाली देती हैं तब पड़ोसियों को पता चल जाता है कि झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को गाली दे रही हैं। और बड़े आदमियों के सास घर की सास और बहू जब एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं तो हर कोई नहीं समझ पाता है। तो अब आप ये समझो कि यह लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज क्यों होता है, बस अहंकार में कि ये सास तो हमारी अनपढ़ है और हम पढ़े लिखे हैं, अब हम पढ़ लिख लिए हैं तो हम ये घर का काम कैसे करें, सारा काम जो है ये यानी सास ही करे, और जैसे हमारी माँ रोटी बना करके खिलाती रही ऐसे यह भी रोटी बना करके खिलाती रहें, सेवा करती रहें, हम पढ़ी लिखी हैं, इस अहंकार। और बहू सास ये चाहती है कि जैसे हम इस घर में आए थे रहे थे अपने सास के कहने में, और वो जो कहती थी वही करती थी, ऐसे यह भी कहे, बस उसी में स्वाभिमान टकरा जाता है। उसी में अन्य समय लोग की अन्य दोनों अपनी अपनी प्रेस्टीज बना लेती हैं, बस दहेज के मुकदमे चलने लगते हैं, तलाक के मुकदमे चलने चालू हो जाते हैं। अब आप ये समझो कि इसको टालने के लिए क्या करना चाहिए। कहा कि आग कोई आग हो तो आप हो पानी, जानकर अनजान हो सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी, एक को गुस्सा हो तो दूसरा चुप हो जाए। एक सत्संगियों की लड़की अपनी माँ के साथ मेरे पास आई तो माँ ने कहा महाराज जी इसको समझाओ, ये कह रही अब हम ससुराल जाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा बच्ची क्यों क्या बात हो गई। बोली महाराज आप ही कहते हो कि किसी को लठ मार दो और घाव हो जाए तो वह घाव भर जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता। तो हमारी सास माँ हमारी सासू माँ इतना कड़क बोलती है, इतना तेज बोलती है कि उनकी बातों का घाव अंदर हो जाता है, और बराबर मैं वही सोचती रहती हूँ बराबर, न पूजा पाठ हो पाता न भोजन का स्वाद मिल पाता है, मैं तो ऊब गई, अब उस घर में पैर नहीं रखना चाहती, महाराज जी हमको मत कहना वहाँ जाने के लिए। तो हमने कहा तू सुनती क्यों है। तब नाराज होके बोली तो कहाँ घर छोड़ के चली जाएं। तो हमने कहा तुझको भजन करने के लिए बताया गया, कुछ नहीं बोली। तो हमने कहा तू भजन करने के लिए उसी समय बैठ जाया कर जब उनको गुस्सा आवे, तो तू बैठ जाया कर भजन करने के लिए, तो हाथ से आँख से मुंह से क्या बोलती क्या इशारा करती हैं तू देखेगी ही नहीं, और जो बोलेंगे तू सुनेगी ही नहीं। तो थोड़ी देर के बाद क्रोध में वो खुद जल करके बुझ जाएंगे, क्रोध उनका खत्म हो जाएगा, ठंडी पड़ जाएंगी। तो बोली तो कुछ नहीं लेकिन बातों का किया अमल। बहुत से लोग सुनते हैं और सुन करके चले जाते हैं, विचार नहीं करते सोचते नहीं। सत्संग में जब जाया जाए तो सुना जाए, मन लगा करके ध्यान दे करके, और बातों को पकड़ा जाए और मनन किया जाए और देखा जाए उसको करके। विश्वास अगर हो जाता है तब तो आदमी करते करता है, और अब विश्वास में अगर थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए तो करके देखा जाए, अगर फायदा होता है तो उसको मान लिया जाए। लेकिन लोग सुनते हैं और सुन करके चले जाते हैं, अमल नहीं करते, अमल करना चाहिए। तो उसने अमल किया और यही किया उसने, जैसे वो बोलने लगाएं, जैसे बोलने को लगे ही उनका चेहरा जैसे तमतमाए गुस्से से, और जैसे कान में उंगली लगा के आँख बंद करके बैठ जाए। अब दो चार दिन तो और बोली वो ओढ़ के बैठ जाती है, कुछ बोलती नहीं है, और देखो ये जड़ हो गई, सौंठ हो गई, नमक हो गई, ये हो गई, वो हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप उंगली ढीला करे तो सुनाई भी पड़े लेकिन फिर दबा दे। तो अब आप ये समझो कि कुछ दिन के बाद बोलना ही बंद कर दिया और दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। अब आप ये समझो कि प्रेम लाने का तरीका भी होता है। सत्संगियों की लड़कियाँ जाती
और सत्संगी जो सत्संग बचपन से ही बच्चियाँ सुनती रहीं और उनकी शादी हुई और वहाँ गईं और वहाँ घर की जो अव्यवस्था होती है उसको भी सही कर देती हैं। कैसे कि जैसे अपने अपने में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं, यानी वो गए तो दूसरे के यानी लड़के को पहले खिलावे, पहले प्यार करे, पहले वो करे, अपने यानी दूसरे के यानी उनके लिए ये देख ले कि कौन क्या पसंद करता है तो उसके लिए वही बना दे, तो सेट हो गया। आने समय लोग खाने पीने में भी आने समय लोग की परेशानी होती है उसमें भी टेंशन बढ़ता है, सास को कुछ पसंद है, ससुर को कुछ पसंद है और उसको कुछ पसंद है, रहता सब कुछ है लेकिन जहाँ अपने मन से वो बना देती है बहू बस वहाँ पर गड़बड़ हो जाता मामला। लेकिन सेट करना चाहे तो सेट सेट हो जाए। आप ये समझो कि एक यानी समझ लो सास की यानी बहू भी बड़ी तेज थी, सास ही नहीं तेज होती बहू भी तेज होती है, तो वो उसको बहुत सतावे, बहुत परेशान करे, खाने पीने न दे ठीक से और फिर वो खराब बिस्तर और फटा पुराना सुलावे, कोई ध्यान न दे। तो सत्संगियों की लड़की पहुंच गई, उसके लड़के की शादी हुई, तो जब वो पहुंच गए है तो बनावे खिलावे सेवा करे और फिर जाए उसके पास बैठे, किसके पास, दादिया सास के पास, अपने सास के पास, तो अब ये जल भुन जाए जैसे उसके पास बैठे, तो कहा तो वहाँ क्यों बैठती है, तो कहा वहाँ बैठती हूँ कुछ हमको सीख मिले, कुछ हमको जानकारी हो, इस घर का रीति रिवाज मालूम पड़े, क्योंकि हमारे पिताजी ने ये कहा था कि तू बच्ची अब जा रही है तो यहाँ का रीति रिवाज सब यहीं छोड़ जा, अब तेरे ससुराल का जो नियम है रीति रिवाज है वहाँ का चाल चलन जैसा है उसमें तुझको ढलना है, वैसा ही करना है। हाँ वो भी सजग हो गई, बोली तो जैसा मैं व्यवहार कर रही हूँ इसके बुढ़िया के साथ ऐसा तू मेरे साथ करेगी, तो उसने कहा ये हम नहीं कहती हैं, हम तो बस आपके यहाँ का जो रीति रिवाज है उसी का नकल करेंगी और हम भी वैसे ही करेंगे। बस उसके समझ में आ गया और दूसरे दिन से फिर बढ़िया बढ़िया बिस्तर और बढ़िया कपड़े और बढ़िया जो है यानी बर्तन और खाना पीना उसी के हिसाब से चलने लग गया। तो सेट करने का तरीका होता है, सेट हो जाए तो यही गृहस्थाश्रम देखो स्वर्ग जैसा, कोई खींचातानी नहीं इस घर में, और न सेट हो पावे तो आदमी घर छोड़ करके भाग जाए, इसी में खून कतल गाली गलौज सब होता है। तो देखो आपको तरीका बताता हूँ, किसी को भी गुस्सा आवे, चाहे पति को गुस्सा आवे चाहे पत्नी को, एक ही को गुस्सा आता है, जैसे एक को गुस्सा आवे दूसरा चुप हो जाए तो फिर दोनों को गुस्सा नहीं आएगा, दोनों क्यों जले खून, दोनों का खून क्यों जले, एक का जला तो उसी को जल के बुझ जाने दो, और तुम अपना भी जलाओगे गुस्से में तो तुम्हारा भी जलेगा, तुम भी वैसे ही हो जाओ। तो जब कोई अपनी कमी नहीं छोड़ता बुराई नहीं छोड़ता तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ो। तो दोनों में किसी को गुस्सा आवे तो एक चुप हो जाए तो कोई झगड़ा झंझट नहीं हो, तो कहा ना गम खाओ बर्दाश्त कर लो छोटे बन जाओ, कोई कितना भी अकड़ के चलता हो और उसका पैर पकड़ लो तो झुक के उठाता है। तो इसको इस पर अगर अमल कर लिया जाए और संयम नियम का किया जाए पालन तो आदमी स्वस्थ रहेगा और गृहस्थाश्रम ये स्वर्ग जैसा रहेगा। छोटे बच्चों की आदत डालो, किस चीज की आदत डालो, ध्यान भजन की नहीं करेंगे, नामदान वो सुन के भेजाएंगे तो वो याद तो कर लेंगे लेकिन करेंगे नहीं, क्या करेंगे वो नाम धुनी करेंगे, तो जय गुरुदेव नाम जब रट जाएगा तो कहीं मुसीबत में भी अगर जय गुरुदेव नाम मुँह से निकल गया तो आपकी जो ये चिंता बनी रहती है कि पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है ठीक ठाक वापस आएगा नहीं आएगा, जो फिक्र बनी रहती है कि आज के युग में पता नहीं कौन शराब पी करके बाइक चला दे चढ़ा दे गाड़ी चढ़ा दे क्या कर दे, उस समय भी बचत गुरु महाराज की दया से प्रेमियों बच्चों और बच्चों उन बच्चों का अगर मुंह से जय गुरुदेव नाम निकल गया तो बचत हो जाएगी, इसलिए आदत डालो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम
होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600070। जय गुरुदेव।